अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का अयोध्या जाने के ऐलान के बाद मोहन भागवत के हुंकार रैली के सुर से सुर मिलाते हुए उत्तर प्रदेश जौनपुर मड़ियाहू विधानसभा के प्रसिद्ध समाज सेवी अरविंद उपाध्याय जी अपने समर्थकों के साथ राम मंदिर बनाने की सोच लेकर अयोध्या जाने की तैयारी कर चुके हैं। उन्हीं के साथ भदोही भगवा रक्षा वाहिनी की पूरी टीम अरविंद उपाध्याय के साथ जा रही है। आगामी 25 नवंबर को अरविंद उपाध्याय अपने निजी खर्च से 10 बसों के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हम आपको बता दें कि राम मंदिर बनाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा से देश के करोड़ों राम भक्त नाराज हो गए हैं और समय समय पर वे अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, मगर भाजपा इन राम भक्तों का दर्द समझ नहीं पा रही है। इस विषय में जहां देश के हिंदुओं की मांग है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए, वहीं मुसलमानों की मांग है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए। अब वहाँ पर मंदिर बनता है या मस्जिद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अयोध्या के रहने वाले कुछ हिंदू मुसलमान अपना नाम और चेहरा मीडिया में न आने की शर्त पर बताया कि बहुत हो गया मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की राजनीति। यहाँ पर हम दोनों समाज के लोग कई वर्षों से बहुत प्रेम और भाव से रह रहे हैं, मगर देश के कुछ नेता हैं जो हमें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस मौके पर पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा निस्वार्थ करने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी अरविंद उपाध्याय अपने हजारों समर्थकों के साथ साथ सभी राम भक्तों से यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है कि जिसे भी अयोध्या चलना है वो हमारी इस मुहिम में फ्री हिस्सा ले सकता है। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।